हेलो बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, या फिर मानव का पाचन तंत्र। देखो, मानव में पाचन तंत्र, यहाँ पे देखो पहली बात आती है इसमें, पाचन तंत्र किसे कहते हैं कि वह तंत्र जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, उस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। देखो, वह तंत्र जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर परिवर्तित किया जाता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। यहाँ पे जो पाचन तंत्र है, इसके अंदर आहार नाल और दूसरा आता है इसमें जो पाचक ग्रंथियां होती है। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, ये आपस में मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। देखो, पाचन तंत्र का निर्माण एक तो आहार नाल के द्वारा किया जाता है और दूसरा आता है इसमें पाचक ग्रंथियां। देखो, आहार नाल का एक भाग मुख से प्रारंभ होता है, जो अग्रभाग है। आहार नाल का एक सिरा अग्रभाग है, जो मुख से प्रारंभ होकर के इसका अंतिम भाग गुदा तक, जो कि इसका पश्चे भाग है। तो यहाँ पर जो आहार नाल है, मुख से प्रारंभ होकर के गुदा तक फैली होती है। इसके साथ में यहाँ पे जो पाचक ग्रंथियाँ है, उनके अंदर आता है आपकी एक तो यकृत है और दूसरा आता है इसमें अग्नाशय। यकृत व अग्नाशय के द्वारा जो स्रावित रस होते हैं, उन्हें जैसे पीतरस और अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है। ये जो पीतरस और अग्नाशय रस होते हैं, ये भोजन के पाचन के अंदर मदद करते हैं। देखो, आहार नाल है, आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई है। इसके अलावा जो पाचक ग्रंथियां होती है, इनके अंदर यकृत और अग्नाशय आते हैं। यकृत के द्वारा स्रावित जो रस है, उसे पीतरस, और अग्नाशय के द्वारा स्रावित रस को अग्नाशय रस कहते हैं। दोनों के द्वारा यहाँ पे जो भोजन का पाचन है, उसके अंदर मदद की जाती है। अब आता है इसमें आपका यहाँ पे आहार नाल। देखो, आहार नाल आपकी मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई है। तो यहाँ पे जो आहार नाल है, उसकी संरचना की बात करते हैं कि उसकी संरचना के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। आहार नाल की संरचना के अंदर कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले आता है इसके अंदर मुख, दूसरा आता है इसके अंदर मुख गुहा, तीसरी आती है इसमें घर्षणी, चौथा घर्षिका, पांचवा आमाशय, छह नंबर ग्रहणी, सात छोटी आंत, आठ बड़ी आंत, नौ मलाशय और दसवां आता है यहाँ पे गुदा। यहाँ पे देखना, जो छोटी आंत है, इसके तीन भाग आते हैं, जिसमें एक तो ग्रहणी को शामिल किया गया है, एक होता है जेजुनम और एक होती है एलियम। इसी प्रकार से जो बड़ी आंत होती है, इसके भी तीन भाग हैं, एक है यहाँ पे सिकम, एक है कोलोन और एक आता है इसके अंदर मलाशय। देखो, यहाँ पे जो छोटी आंत है, इसके तीन भाग हैं, ग्रहणी वाला हो गया, जेजुनम हो गया और एलियम। बड़ी आंत है, इसके भी तीन भाग हैं, सिकम, कोलोन व मलाशय। अब देखना, यहाँ पे नंबर एक आता है मुख। मुख होता है यहाँ पे दो ओष्ठों से घिरी हुई संरचना होती है, और दोनों जो ओष्ठ होते हैं, एक दरार नुमा छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं। मुख दो ओष्ठों से मिलकर बनी हुई संरचना है, और यहाँ पे एक दरार नुमा छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। मुख आगे की ओर जो मुख गुहा होती है, उसके अंदर खुलते हैं। मुख कहाँ पे खुलता है? मुख गुहा के अंदर खुलता है।
मुख गुहा के अंदर, यहां पर मुख गुहा का जो ऊपरी भाग है, मुख गुहा का ऊपरी भाग खटोर और कोमल तालू से मिलकर बना होता है। मुख गुहा का ऊपरी भाग खटोर और कोमल तालू से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा मुख गुहा के पार्श्व में गाल पाए जाते हैं और जो आधारी भाग होता है उसके अंदर जीभ उपस्थित होती है। जो मुख गुहा है इसके ऊपरी भाग में खटोर और कोमल तालू, पार्श्व में गाल और आधारी भाग में जीभ उपस्थित होती है। अब जो जीभ होती है इसके अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ के अंदर यहाँ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो कि यहाँ पर भोजन के मीठे, नमकीन, कड़वे, खट्टे स्वाद का क्या करती है, यहाँ पे अनुभव कराती है। देखो आधारी भाग पर जीभ है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा भोजन का मीठेपन का, नमकीन का, कड़वे और खट्टेपन का अनुभव प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख गुहा होती है ऊपर और मुख गुहा के अंदर ऊपर और नीचे की ओर जबड़े उपस्थित होते हैं। ऊपरी जो जबड़ा होता है ये एचल होता है, जबकि नीचे वाला जो जबड़ा होता है ये चल होता है। यानी कि ऊपरी जबड़े को आप हिला नहीं सकते, जबकि नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको आसानी से हिलाया जा सकता है। फिर आता है यहाँ पे कि जो जबड़े होते हैं इनके अंदर दांत उपस्थित होते हैं। जबड़ों के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है, दांत। दांत यहाँ पे जो भोजन होता है, भोजन के जो बड़े कण होते हैं उसको पीसने का कार्य करते हैं या फिर चबाने का कार्य करते हैं। अब देखो जबड़ों के अंदर जो दांत होते हैं गर्त दंती होते हैं। गर्त दंती का मतलब होता है कि जो जबड़े होते हैं इनके अंदर जो गर्त बने हुए होते हैं उनके अंदर दांत उपस्थित होते हैं। दूसरी बात आती है दांतों की कि दांत यहाँ पे द्विबार दंती होते हैं। जीवन के अंदर दो बार दांत आते हैं, एक बार यहाँ पे अस्थायी दांत आते हैं या फिर जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और दूसरी बार आते हैं यहाँ पे स्थायी दांत। दूध के जो दांत हैं इनकी संख्या होती है 20 और जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 32। तो यहाँ पे जो दांत है वो किस प्रकार के हैं, द्विबार दंती, इसमें अस्थायी व स्थायी दो प्रकार के दांत हैं। दूध के जो दांत है उन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं, इनकी संख्या 20 होती है, जबकि जो स्थायी दांत है इनकी संख्या 32 होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख गुहा होती है या फिर जबड़े होते हैं उनके अंदर चार प्रकार के, जबड़ों में चार प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, जिनमें नंबर एक आता है कृंतक आता है, दूसरा रदनक आता है, तीसरा पूर्व च्वरणक और चौथा आता है च्वरणक। चार प्रकार के दांत है, पहला कौन सा है, कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा पूर्व च्वरणक और चौथा है च्वरणक। कृंतक जो दांत है ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। कृंतक दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं, जबकि रदनक दांत यहाँ पे भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य रदनक दांतों के द्वारा किया जाता है, जबकि जो पूर्व च्वरणक और जो च्वरणक दांत होते हैं ये यहाँ पर भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। देखो पूर्व च्वरणक और जो च्वरणक दांत होते हैं ये यहाँ पर भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। देखो जबड़े में चार प्रकार के दांत है, एक कृंतक है, दूसरा रदनक, तीसरा पूर्व च्वरणक और चौथा च्वरणक। जो कृंतक दांत है ये भोजन को काटने का कार्य करता है, रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का, इसके अलावा पूर्व च्वरणक और जो च्वरणक दांत होते हैं ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। यहाँ पे जो दांत है स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जबड़ों के अंदर इनकी स्थिति और संख्या, स्थिति संख्या और इनका जो प्रकार है इसके आधार पर
दंत सूत्र बनाया गया है, और मानव का जो दंत सूत्र है वो होता है 21 23 बटे 21 23 × 2 = 32। देखो मानव का जो दंत सूत्र है इसमें यहाँ पर 21 23 बटे 21 23 × 2 = कितना हो गया 32। अब ये दंत सूत्र किसके आधार पर बनाया है, दांतों की स्थिति हो गई, संख्या हो गई और उनके प्रकार के आधार पर। अब देखो 21 23 का मतलब है यहाँ पे कि जो ऊपरी जबड़ा है उसके अंदर दो दांत होते हैं कृंतक, एक दांत होता है यहाँ पे रधनक और दो दांत होते हैं यहाँ पे पूर्व च्वरणक और एक तीन दांत होते हैं इसमें च्वरणक। देखो मानव दंत के अंदर जो ऊपरी जबड़ा है उसके अंदर दो कृंतक, एक रधनक, दो पूर्व च्वरणक और तीन च्वरणक। तो यहाँ पे फिर इनको दो से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि जबड़ों की संख्या है। इस प्रकार से ऊपर और नीचे, ऊपर की ओर 16 और नीचे की ओर 16, ऊपरी जबड़े के अंदर 16 दांत आएंगे और नीचे वाले जबड़े के अंदर 16, दोनों को ऐड करेंगे टोटल कितने हो जाएंगे 32 दांत। फिर आता है इसके अंदर कि जो दांत है उसकी संरचना, कि दांतों की संरचना किस प्रकार की होती है। देखो जो दांत है, दांत की जो संरचना है इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग आता है इसमें यहाँ पे शिखर, दूसरा गिरवा और तीसरा होता है मूल। देखो मूल है यहाँ पे दांतों का आधारी भाग होता है, दांतों का जो आधारी भाग होता है उसे मूल कहते हैं, शीर्ष जो भाग होता है उसे शिखर कहते हैं और इन दोनों के मध्य का जो भाग होता है, दोनों के मध्य का उस भाग को क्या कहेंगे, गिरवा कहते हैं। देखो दांत की संरचना के यहाँ पे तीन भाग है, एक तो शिखर हो गया, एक गिरवा और एक मूल। शिखर शीर्ष भाग है, गिरवा मूल और शिखर के मध्य का भाग है और जो मूल है इसका आधारीय भाग होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो दांत है इसका निर्माण खटोर डेंटिन के द्वारा होता है। दांत का निर्माण किसके द्वारा होता है, यहाँ पे खटोर डेंटिन के द्वारा होता है और ये डेंटिन सीमेंट जैसी होती है। डेंटिन कैसी होती है, यहाँ पे सीमेंट जैसी। फिर आता है यहाँ पे जो दांत होते हैं, दांतों के अंदर एक केंद्रीय मज्जा गुहा पाई जाती है, दांतों के अंदर एक केंद्रीय क्या पाई जाती है, मज्जा गुहा। इस मज्जा गुहा के अंदर यहाँ पर रक्त केशिकाएं, साथ में तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। जो मज्जा गुहा होती है इसके अंदर रक्त केशिकाएं और तंत्रिकाएं उपस्थित होती है जिसकी सहायता से यहाँ पर दांतों को पोषण प्रदान किया जाता है। देखो जो दांत होते हैं उनके अंदर एक केंद्रीय मज्जा गुहा पाई जाती है, इस मज्जा गुहा के अंदर रक्त केशिकाएं और तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। जो रक्त केशिकाएं होते हैं और रक्त केशिकाएं यहाँ पर दांतों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो दांत होते हैं एक निश्चित अवधि तक यहाँ पर वृद्धि करते हैं, निश्चित अवधि तक वृद्धि करेंगे, इसके पश्चात यहाँ पर इनकी जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, रुक जाती है। देखो दांतों के अंदर एक निश्चित अवधि तक वृद्धि होती है, उसके पश्चात यहाँ पर इनकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। इसके अलावा जो दांत होते हैं दांतों के ऊपर बाहर की ओर खटोर आवरण पाया जाता है, बाहर की ओर कठोर आवरण पाया जाता है, इस आवरण को यहाँ पे इनेमल कहते हैं। देखो एक तो सीमेंट जैसा पदार्थ है जिससे यहाँ पर दांत का निर्माण होता है और इस डेंटिन या सीमेंट जैसे पदार्थ के ऊपर भी यहाँ पे एक कठोर आवरण होता है, इस आवरण को क्या कहेंगे, इनेमल कहते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे इनेमल होती है। दांतों के अंदर उपस्थित जो इनेमल होती है ये यहाँ पर शरीर का सबसे कठोर भाग होती है। तो देखो यहाँ पे दांत की जो संरचना है, संरचना के तीन भाग है, एक है शिखर शीर्ष भाग है, गिरवा शिखर और मूल के मध्य का भाग है, मूल इसका आधारी भाग है।
दांत का निर्माण डेंटिन के द्वारा होता है, ये एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है। इसके अलावा दांत के अंदर एक केंद्रीय मज्जा गुहा उपस्थित होती है। मज्जा गुहा के अंदर रक्त केशिकाएं और तंत्रिकाएं उपस्थित होती है जो कि दांतों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यहाँ पर दांतों की वृद्धि एक निश्चित समय के लिए होती है, उसके पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाती है। दांतों के ऊपर एक कठोर आवरण है, इस आवरण को क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं। देखो इनेमल यहाँ पर शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, तो यहाँ पे जो मुख गुहा थी उसी का भाग कौन सा आता है, यहाँ पे दांत और दांत जो दांत है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बाद में देखो पहला था आपका इसमें मुख गुहा, सेकंड जो भाग आता है इसके अंदर वो आता है इसमें, देखो पहला मुख और मुख गुहा हो गई, अब सेकंड जो भाग आता है इसमें घर्षणी। देखो मुख गुहा का आगे का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, घर्षणी कहते हैं। मुख गुहा का जो आगे का भाग होता है उस भाग को क्या बोलते हैं, घर्षणी कहते हैं। ये यहाँ पर श्वसन पथ व भोजन पथ दोनों का कार्य करती है। जो घर्षणी होती है श्वसन पथ और भोजन पथ दोनों का कार्य करती है। घर्षणी में यूस्टेकियन नलिका के छिद्र उपस्थित होते हैं। घर्षणी के अंदर यूस्टेकियन नलिका के छिद्र उपस्थित होते हैं और यहाँ पर घर्षणी के अंदर दो छिद्र उपस्थित होते हैं, एक तो होता है इसमें निंगल द्वार और एक होता है इसमें गाठी द्वार। दो छिद्र है, एक तो होता है निंगल द्वार और दूसरा होता है इसमें गाठी द्वार। गाठी द्वार आपके श्वसन पथ से संबंधित है, ठीक है, और जो निंगल द्वार होता है ये किससे संबंधित होता है, भोजन पथ से संबंधित होता है। फिर नंबर आता है इसमें आगे घर्षिका, आगे भाग कौन सा आता है इसमें, घर्षिका। यहाँ पर घर्षिका लंबी नलिकाकार संरचना होती है, घर्षिका लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ये जो संरचना है इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होगी इसकी, 25 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर जो गर्दन और वक्ष भाग होता है उसको भेद करके आमाशय के अंदर प्रवेश करती है। गिरवा और जो वक्षीय भाग है इसको भेद करके यहाँ पर घर्षिका कहाँ पर प्रवेश करती है, आमाशय के अंदर प्रवेश करती है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें घर्षिका, लंबी नलिकाकार संरचना होती है। यहाँ पर ये जो संरचना है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। गर्दन और वक्षीय भाग को भेद करके ये कहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पे आमाशय वाले भाग के अंदर। देखो डायग्राम के अंदर ये वाला जो भाग है ये यहाँ पे घर्षिका वाला भाग है, गिरवा हो गया, यहाँ पे वक्षीय भाग है, इसको भेद करके ये कहाँ पर प्रवेश करती है, आमाशय के अंदर प्रवेश करती है। घर्षिका से जस्ट ऊपर की ओर यहाँ पे घर्षणी पाई जाती है। देखो घर्षणी के अंदर भी मैंने दो भाग बताए थे, एक श्वसन पथ वाला और एक भोजन पथ वाला, छिद्रों के रूप में उपस्थित होते हैं। श्वसन पथ वाले को यहाँ पे गाठी द्वार कहते हैं और जो भोजन वाला पथ होता है उसे निंगल द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे आमाशय। देखो इसके बाद में यहाँ पे आगे भाग कौन सा आता है, आमाशय। आमाशय यहाँ पर जो डायफ्राम होता है डायफ्राम के नीचे बाईं ओर उपस्थित होता है, बाईं ओर उदर गुहा में उपस्थित होता है। देखो आमाशय कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर डायफ्राम के नीचे बाईं ओर उदर गुहा के अंदर उपस्थित होता है। आमाशय यहाँ पर एक थैलीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, आमाशय थैलीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है और इसी थैलीनुमा जो संरचना होती है इसके अंदर जो भोजन होता है भोजन को कुछ समय के लिए यहाँ पर संग्रहित रखा जाता है।
थैलीनुमा जो संरचना है आमाशय, इसके अंदर यहाँ पर भोजन को कुछ समय के लिए संग्रहित रखा जाता है। अब देखो जो आमाशय है इसके भी तीन भाग होते हैं। आमाशय के तीन भाग है जिसमें पहला आता है कॉर्डियक, दूसरा आता है इसमें फंडस और तीसरा आता है इसमें पाइलोरिक। देखो आमाशय के तीन भाग है, पहला है कॉर्डियक, दूसरा आता है इसमें फंडस और तीसरा आता है इसमें पाइलोरिक। डायग्राम में देखना आमाशय ये वाली थैलीनुमा संरचना है। आमाशय का वह भाग जो गर्षिका से जुड़ा हुआ होता है ये वाला भाग, इस भाग को क्या कहेंगे, कॉर्डियक भाग कहते हैं। कि आमाशय का वह भाग है जो गर्षिका से जुड़ा हुआ है इस भाग को क्या कहेंगे, कॉर्डियक कहते हैं। इस भाग में यहाँ पर कॉर्डियक कपाट पाया जाता है, ये वाला जो भाग है इस भाग के अंदर कॉर्डियक कपाट पाया जाता है। इस कपाट के कारण क्या होगा कि जो भोजन है आमाशय से वापस गर्षिका के अंदर प्रवेश नहीं करता है। देखो कॉर्डियक कपाट है, ये कपाट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भोजन है इसको वापस गर्षिका के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। दूसरा भाग आता है इसमें फंडस, आमाशय का ये 80% भाग बनाता है। फंडस यहाँ पर आमाशय का 80% भाग बनाता है और ये आमाशय का मध्य भाग होता है। फंडस मध्य भाग है, 80% भाग बनाता है। इस भाग के अंदर यहाँ पर इसकी जो कोशिकाएं होती है उस भाग के द्वारा HCl अम्ल या फिर जठर रस का श्रावण किया जाता है। जो फंडस वाला भाग है इसके द्वारा HCl अम्ल या फिर जठर रस का श्रावण किया जाता है। ये जो जठर रस है ये भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन का जो पाचन है उसके अंदर सहायक होता है। तीसरा भाग आता है इसके अंदर पाइलोरिक, तीसरा भाग है पाइलोरिक। ये वाला जो भाग है आमाशय का अंतिम भाग है जो किससे जुड़ा होता है, यहाँ पर ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। आमाशय का अंतिम भाग जो ग्रहणी से जुड़ा होता है उसे क्या कहेंगे, पाइलोरिक भाग कहते हैं। यहाँ पर भी पाइलोरिक कपाट पाया जाता है। जो आमाशय और गर्षणी जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर कौन सा कपाट पाया जाता है, पाइलोरिक कपाट। ये पाइलोरिक कपाट यहाँ पर गर्षणी से भोजन को आमाशय में जाने से रोकता है। देखो पाइलोरिक कपाट कार्य क्या करता है, जो ग्रहणी है उसमें से भोजन को यहाँ पर आमाशय के अंदर आने से रोकता है। तो इस प्रकार से जो आमाशय है आमाशय के अंदर भी तीन भाग होते हैं। देखो पहला तो हो गया कॉर्डियक, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरिक। देखो कॉर्डियक यहाँ पर आमाशय का गर्षिका से जुड़ा हुआ भाग होता है, ये जो भाग होता है उसके अंदर कॉर्डियक कपाट होता है जिसके कारण जो आमाशय है उसमें से भोजन वापस ग्रास नाल या फिर गर्षिका में प्रवेश नहीं करता है। सेकंड आता है इसमें फंडस भाग, आमाशय का 80% भाग बनाता है और ये मध्य भाग होता है, इसके द्वारा HCl अम्ल या फिर जठर रस का श्रावण किया जाता है। ये जो HCl या फिर जठर रस होता है भोजन के पाचन के अंदर मदद करता है। तीसरा आता है इसमें पाइलोरिक, ये जो भाग है यहाँ पर जो ग्रहणी है वहाँ पर जुड़ा हुआ होता है और जो आमाशय है उसका अंतिम भाग है। यहाँ पर पाइलोरिक जो भाग है उसके अंदर पाइलोरिक कपाट पाया जाता है, ये कपाट क्या करता है, ग्रहणी में से जो भोजन होता है उसको वापस आमाशय में जाने से रोकता है। इधर देखना डायग्राम में कि जो पाचन तंत्र है उसके अंदर पहला जो भाग है ये आता है आपका मुख वाला भाग आता है, और मुख वह भाग होता है जिसमें से भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है या फिर भोजन को ग्रहण किया जाता है, उस भाग को क्या कहेंगे, मुख कहते हैं। अभी बताया था दो ओष्ठों से घिरी हुई संरचना है और संरचना ये इसके अंदर एक दरार नुमा एक छिद्र उपस्थित होता है। अब जो मुख है आगे की ओर
यहाँ पर किसके अंदर खुल रहा है, मुख गुहा के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर खुलता है। अब देखो मुख गुहा के अंदर जो ऊपर वाला भाग होता है वो तो होता है इसमें तालू होता है। अब तालू भी दो होते हैं, कठोर तालू व कोमल तालू। इसके अलावा मुख गुहा के अंदर पार्श्व जो भाग होते हैं उन्हें गाल कहते हैं और आधारीय भाग पर यहाँ पे जीभ पाई जाती है। जीभ के अंदर यहाँ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो कि यहाँ पर जैसे खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, मीठा हो गया, कड़वा हो गया आदि जो स्वाद होते हैं उनके प्रति यहाँ पर अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है यहाँ पे घर्षणी। घर्षणी मुख गुहा का अंतिम भाग यहाँ पे घर्षणी कहलाता है और ये जो भाग है मुख गुहा और घर्षिका के मध्य उपस्थित है या फिर इन दोनों को जोड़े रखने का कार्य करता है। जो घर्षणी वाला भाग है इसके अंदर अभी आपको ये बताया था कि दो पथ है, एक तो भोजन पथ है और दूसरा यहाँ पे श्वसन पथ है। देखो भोजन पथ है और श्वसन पथ है, यहाँ पे जो श्वसन पथ है इस को तो घाटी द्वार के नाम से जाना जाता है। जो श्वसन पथ है उसे किसके नाम से जाना जाता है, घाटी द्वार के नाम से, और जो भोजन पथ है उसे निंगल द्वार के नाम से जाना जाता है। तो जब भी भोजन करते हैं उस दौरान जो श्वसन भाग श्वसन वाला भाग है उसके ऊपर गाठी ढक्कन लग जाता है जिसके कारण भोजन सीधे किसके अंदर प्रवेश करेगा, घर्षिका के अंदर प्रवेश करता है या फिर ग्रास नाल के अंदर प्रवेश करता है। ग्रास नाल या घर्षिका यहाँ पे लंबी नलिकाकार संरचना होती है और ये जो संरचना होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और ये क्या करती है यहाँ पर, इसका जो घर्षिका है इसकी ये जो घर्षिका होती है ये यहाँ पर जो भोजन है उसको आमाशय के अंदर भेजने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त ये जो गिरवा होती है और जो वक्षीय भाग होता है उसको भेद करके आमाशय के अंदर या फिर आमाशय के अंदर प्रवेश करती है। आमाशय क्या, यहाँ पे तीन भाग है, एक बताया था आपको यहाँ पे कोडियक भाग बताया था, एक बताया था आपको यहाँ पे फंडस और एक था पाइलोरिक। मुख्य भाग फंडस था जो यहाँ पे इसका 80% भाग बनाता है। इसके अलावा कोडियक ग्रास नाल या घर्षिका से जुड़ा हुआ है और जो पाइलोरिक भाग है वो किससे जुड़ा रहता है, यहाँ पे जो ग्रहणी होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। दोबारा देखना।